कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मानहानि मामले में महाराष्ट्र के भिवंडी अदालत में पेश हुए। इस दौरान राहुल गांधी पर आरएसएस मामले में आरोप तय किए गए। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने आप को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में दोषी नहीं हूं। मेरे ऊपर ये केस तो लगाते रहते हैं, ठीक है, जितने लगाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी विचारधारा की लड़ाई है और मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा और हम जीतेंगे। धन्यवाद। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण और अशोक गहलोत भी थे। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए गए हैं। सुनवाई में कहा कि इस मामले में धारा 499 के तहत ये अपमान है और धारा 500 के तहत ये दंडनीय अपराध है। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 10 अगस्त को करेगी। राहुल गांधी ने 2014 में कथित तौर पर महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस के लोगों को जिम्मेदार बताया था, जिसके बाद उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। राहुल इससे पहले भी इस मामले में पेश हो चुके हैं। आपको बता दें कि 2014 में भिवंडी में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। राहुल ने उस भाषण में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। राहुल ने एक रैली में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस की विचारधारा जिम्मेदार है। हत्यारा नाथुराम गोडसे राष्ट्रपिता को गोली मारने के समय भले ही हिंदू महासभा का सदस्य था, लेकिन इससे पहले वह आरएसएस का भी सदस्य रहा और उसकी विचारधारा वही थी जो आरएसएस की है।